सही गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो की हमारी बीपीसीएस 184 की यूनिट 7 बच्चों और किशोरों के लिए उपचार एवं रेफरल। तो संवेगात्मक और व्यवहार संबंधी संवेगात्मक और व्यवहार संबंधी समस्या वाले बच्चों का आकलन और रेफरल। बच्चे अपनी क्षमताओं और कमजोरियों बच्चे की अपनी क्षमताएं और कमजोरियां होती है और उनका विकास निश्चित चरणों के अनुसार होता है। हालांकि प्रत्येक बच्चे की गति भिन्न होती है। दूसरे बच्चे कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ दूसरे क्षेत्र में कमजोर रह सकते हैं। लेकिन यदि बच्चा एक से अधिक विकासात्मक क्षेत्रों की समस्याओं को प्रदर्शित कर रहा है तो विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए छात्रों के आकलन और रेफरल के बारे में सोचने के समय है। बच्चे विद्यालय में अनगिनत घंटे बिताते हैं, इसलिए शिक्षक अक्सर गृह कार्य, खेल, पाठक्रमेतर सहपाठी या वयस्क संबंधी जैसे क्षेत्रों में छात्रों की सफलता की कमी को पहचानने वाले व्यक्ति होते हैं। शिक्षक समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले छात्रों के बीच एक प्राथमिक कड़ी और वे छात्रों के व्यवहारिक, भावात्मक और शैक्षणिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेफरल के लिए अमूल्य संसाधन है। रेफरल और पूर्व रेफरल। रेफरल एक महत्वपूर्ण आकलन प्रक्रिया है जिसमें पेशेवरों की टीम, जिसमें माता पिता, शिक्षक और कभी कभी इनके साथी शामिल होते हैं, के द्वारा पर्याप्त जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की स्थिति के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए हस्तक्षेप विकसित करना और बच्चों के सीखने और विकास में मदद के लिए बनाया जाता है। और क्या होता है, औपचारिक रेफरल की प्रक्रिया में से पहले कई देशों के पूर्व रेफरल प्रणाली की स्थापना की गई है, जहाँ शिक्षा पेशेवरों की टीम सहयोगात्मक तरीके से काम करती है और नियमित शिक्षा के माहौल में छात्रों की सफलता का सुविधाजनक बनाने के लिए विशिष्ट कार्य योजना तैयार करते हैं कि कैसे बच्चों को उन कमजोर क्षेत्रों में आगे और मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे कि बच्चे को किसी भी आगे चल के उसका बेस एक बार स्ट्रॉन्ग कर दे, जिससे उसको आगे चल के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। औपचारिक रेफरल। अगर केवल पूर्व रेफरल उपाय एक छात्र को आवश्यक सहायता और सुधार प्रदान करने में विफल रहती है तो औपचारिक रेफरल आकलन और रेफरल आवश्यक हो जाता है कि क्या समस्या और कैसे उसे समाप्त किया जाए। बच्चों के आकलन और विशेष शिक्षा के लिए रेफरल के लिए विकासात्मक, व्यवहारिक या संवेगात्मक समस्या के कारण सभी विशेष मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल करना चाहिए। बच्चों के आकलन और मूल्यांकन के लिए बुद्धि और उपलब्धि आधारित परीक्षण होते हैं। मतलब उसका पहले IQ टेस्ट किया जाता है कि कहाँ कहाँ वो स्ट्रांग है और कहाँ कहाँ वो वीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं उसका क्या बोलते हैं उसे सिखाने के लिए। आकलन उपकरण के साथ औपचारिक रेफरल की प्रक्रिया में साथियों, शिक्षण और परिवार के सदस्यों के पर छात्रों के व्यवहार के प्रभाव का आकलन करना और शिक्षक के व्यवहार और छात्रों के साथ बातचीत के प्रभाव का आकलन शामिल है कि कैसा इसका संबंध है सभी के साथ, शिक्षक के साथ कैसा है, माता पिता के साथ कैसा है। ठीक है, बच्चों के लिए विद्यालय आधारित उपचारात्मक कार्यक्रम। जैसे कि हम पहले भी बताए हुए हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि खेल के द्वारा पढ़ाना, रचनात्मक थिंकिंग के द्वारा पढ़ाना, अलग अलग मेथड से पढ़ाना और बच्चों को सिखाना। कक्षा में शिक्षकों के सकारात्मक व्यवहार का समर्थन। इसका अर्थ है कि शुरुआत में शिक्षकों को इस बारे में स्पष्ट अपेक्षाएं प्रदान करने की आवश्यकता है कि क्या उपयुक्त व्यवहार माना जाता है और छात्रों में इसी दिशा में सफल होने के लिए मार्गदर्शन दे कि किस तरीके से व्यवहार करें और किस तरीके से बच्चों को अपने एक बॉन्डिंग से जोड़े की और एक पॉजिटिव बिहेवियर और क्या बोलते हैं बिहेवियर रखे, जिससे कि हमेशा छात्र उसी तरीके का बिहेवियर आपसे भी रखे। ऐसा कोई क्या नकारात्मक और नेगेटिव बिहेवियर रखेंगे और थोड़ा सा डरा धमका के रखेंगे तो बच्चे हमेशा से आपको बाद इसी तरीके से डराने धमकाने के दूसरों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। शिक्षक कुछ रोकथाम उपायों को अपना सकते हैं जो पूरी कक्षाओं के साथ शुरू होते हैं और बाद में व्यक्तिगत छात्रों और उसकी आवश्यकता पर केंद्रित हो जाते हैं। तो पहले तो पूरे स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाते हैं और फिर उसे टफ करते हैं और फिर उसे बुक के मेथड पर ले आते हैं, लेकिन जो बच्चा अभी भी नहीं समझ पाता तो उसे फिर पर्सनल उसी तरीके की स्टाइल से पढ़ाते हैं जिस तरीके से वो थोड़ा क्रिएटिव हो सके। उनके साथ सकारात्मक भौतिक वातावरण बनाने में मदद। ठीक है, स्थान का प्रबंध। जो बच्चे समझ नहीं पाते ठीक से तो उन सबके साथ एक ऐसा दिखाते कि बच्चे एकदम इक्वल है, आप लोग जैसे क्लास में एकदम पॉजिटिव
पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार करते हैं उनके लिए, जिससे कि वो एकदम पढ़ाई और अन्य छात्रों के साथ एकदम इजिली घुल मिल सके और उनको हर लोग पॉजिटिव वे में ही देखे। इसलिए हर तरीके से पहले सकारात्मक पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है, फिर भौतिक वातावरण में मदद की जाती है। स्थान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है ताकि प्रत्येक छात्र को यह अनुभव हो कि यह स्थान उसका है और यह कक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो स्टूडेंट भी। स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं बनाना, शिक्षक कक्षा में सभी के लिए स्पष्ट नियम बना सकते हैं ताकि अधिगम में बाधा कम हो। इस तरह के नियम कक्षा में परिस्थिति और व्यवहार में एक स्वीकार माने जाते हैं, माने जाने वाले व्यवहार को परिभाषित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षक छात्र के हाथ उठाने के लिए कह सकता है जब कोई प्रश्न पूछना चाहे तो या बात करना चाहते हैं। छात्र नियमों और अपेक्षाओं को पूरा करें कि छात्र की क्या अपेक्षा है, क्या वो जानना चाहते हैं, कैसे वो जानना चाहते हैं और क्या वो उसका कोई प्रैक्टिकल भी चाहते हैं। छात्र के नियमों को हमेशा ध्यान में रखें। दिन की गतिविधियों का कार्यक्रम बनाएं कि आज क्या क्या करना है, क्या क्या आज होगा, किस किस मेथड से होगा। लगातार दिनचर्या और प्रतिक्रिया को बनाने में मदद करना कि आज ऐसे क्या होगा, आप लोग को क्या क्या करना है और कैसे कैसे आप उसे कंप्लीट करोगे। इसमें आपको भी स्टूडेंट की मदद करनी है। एक सकारात्मक कक्षा के वातावरण को तैयार करने में मदद करना जो सभी छात्रों में अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करता है। सबको इक्वल दिखाना कि सब लोग अपने सामर्थ्य दिखा सकते हैं। कोई भाई स्पीच देना चाहता है वो स्पीच दे सकता है, कोई कल प्रेयर करना चाहता है वो प्रेयर कर सकता है। सबको दिखाना ऐसा नहीं है जो स्पीच देना चाहे उससे हम प्रेयर करवा लें, जो जो प्रेयर करना चाहे उससे हम स्पीच बोलवा लें। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट्स को देखा जाता है स्कूल में पढ़ाने पढ़ाई के दौरान। फिलहाल चिट्ठी कहाँ से आ गई? ठीक है, अति समस्याग्रस्त व्यवहार को कम करने के लिए हस्तक्षेप। जबकि कक्षा में और व्यक्तिगत स्तर पर रोकथाम के प्रयास छात्र व्यवहार को प्रभावी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए कक्षा में व्यापक व्यवहार संशोधन की आवश्यकता होती है ताकि उनके व्यवहार को अधिकता और कमी के प्रभाव को कम किया जा सके। अनुचित व्यवहार को कम करना और उचित व्यवहार को बढ़ावा देना व्यवहार सिद्धांत जैसे पुनर्मिलन और द्वंद प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए शिक्षक और पेशेवर आमतौर पर व्यवहारात्मक उपायों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वांछित और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन और दंड अवांछित और उप अनुकूलित व्यवहार को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सकारात्मक पुनर्बलन एक पुरस्कार है, मतलब तो सही अच्छे व्यवहार करने पर आप उसको पुरस्कार से प्रदान किया जाता है, जैसे वो उस व्यवहार को आगे और बढ़ाए और पुरस्कार पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहे। जो सकारात्मक और उपयुक्त व्यवहार के बाद प्रस्तुत किए जाने वाले छात्र को अच्छा लगता है, मतलब दूसरे के साथ हमेशा उसे व्यवहार को बिल्ड करने में हमेशा ध्यान देना चाहिए। उसे खराब व्यवहार को उसे दंड देना चाहिए और अच्छे व्यवहार को उसे पुरस्कृत करने चाहिए। दूसरी ओर नकारात्मक पुनर्बलन व्यवहार एक व्यवहार को हटाना जो नापसंद है और यह वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन के रूप में काम किया जाता है। खराब व्यवहार को हमेशा नकारात्मक व्यवहार को हटाया जाए और अच्छे व्यवहार को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि उसमें खराब व्यवहार का कमी हो। कई सारी केस स्टडीज दी हुई है, आप लोग आराम से बैठ कर पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, कला चिकित्सा जिसे हम कई बार बताए हुए हैं, जिसमें आप क्रिएटिव तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाता है। यह कला का उपयोग लोगों के जीवन में परिवर्तन और को स्वीकार करने और बनाने दोनों के लिए किया जाता है। पेशेवर कलात्मक शोधकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि चिकित्सीय सेटिंग में कला का अद्वितीय उपचार लाभ है और इसका उपयोग गंभीर मानसिक रूप के बीमारी रोगियों को समझने में और आकलन करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। कला चिकित्सा एक ऐसे थेरेपी के रूप में पहचाना जाता है जो काल्पनिक और रचनात्मक मीडिया का प्रयोग में लेता है। इसमें ड्राइंग ड्राइंग एंकलिंग और पानी के रंगों के साथ चित्रकारी और मिट्टी के साथ काम करना उपचार का साधन होता है कि क्या आप समझते हो, उसे बनाओ, उसे थिंकिंग करो, जिससे उसका जो प्रेशर होता है माइंड में वो कम होता है। और कला चिकित्सा में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों ने ऐसे परिभाषित किया जिसमें क्लाइंट को कला चिकित्सक द्वारा कला मीडिया का प्रयोग उनकी कल्पनात्मक प्रक्रिया और प्रयोग और परिणाम स्वरूप हुए कला निर्माण और उनके मन की स्थिति खोजना, सामाजिक दंड को हल करने, आत्म जागरूकता बढ़ाने में व्यवहार के प्रबंधन और व्यवसायों सामाजिक कौशल विकसित करने में वास्तविकता अभिविन्यास सुधारने में चिंता कम करना और आत्मसम्मान बढ़ाने की में किया जाता है। ठीक है, तो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा दे दिया इसकी, इसको और पढ़ो। मतलब कला के द्वारा उनके मन में क्या चल रहा है उसे समझना और इस चीजों को वो मिट्टी मतलब खिलौने और चीजों के बारे में
डेवलप करते हैं और अपनी काल्पनिकता को हकीकत में देखने हैं, और उससे रिसर्चर्स को पता चलता है कि कैसे वो उनको देखते हैं और कैसे उनके बारे में कितना ध्यान से सोचते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा उनमें डिटेलिंग करके बनाते हैं कोई चीज़, मतलब उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से उन चीज़ों को समझना चाहता है, ठीक है। फिर होती है कीड़ा चिकित्सा, बच्चों के विकास में कीड़ा केंद्र है, मतलब खेल, क्योंकि यह उनके दिल में है और उनका खुलकर और क्योंकि यह उनके दिल में क्या है इसको खुलकर बताता है। यह स्वस्थ मानसिक, शारीरिक, भाषा, सामाजिक विकास और संचार के लिए आवश्यक है। कीड़ा खेल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आंतरिक भावनाओं और संवेगों को संचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक गुड़िया के साथ खेलना, उसे ताले में रखना, गुड़िया को दंड देना और सलाखों के पीछे रखना, इस प्रकार के खेल बच्चों के मानसिक विकार को समझने में मदद कर सकते हैं। यह जानने में मदद कर सकता है कि वे अपने अनुभवों को कैसे संगठित करते हैं और जीवन में नियंत्रण पाने की भावना को प्राप्त करते हैं। कीड़ा का उपयोग पहले बच्चे के साथ विश्वास हासिल करने में संबंध बनाने के लिए एक विधि के रूप में किया गया था, और बाद में इसमें बच्चों की भावना की व्याख्या करने के लिए एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ इसे आकलन के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, कितना वो कितने चीज से जुड़ाव रखता है। कीड़ा चिकित्सा एक बच्चे और एक चिकित्सक के बीच गतिशील अंतर्व्यक्ति संबंध है। चिकित्सक जो चयनित कीड़ा सामग्री प्रदान करता है और बच्चे के लिए सुरक्षित रिश्ते के विकास को सरल बनाता है, पूरी तरह से व्यक्त करने और स्वयं की खोज करने में बच्चों को इष्टतम वृद्धि और विकास के लिए संचार का प्राकृतिक माध्यम है। कैसे वो अपनी चीजों से खेलता है, कैसे वो अपनी चीजों को रखता है, क्या उसे वो दंड देता है, क्या वो कैसे रखता है, कहानी किस्से में उसको समझा जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। किसी भी तरह की कोई डाउट और सुझाव प्रॉब्लम या कोई आपको सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी आप लिंक पे मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को ध्यान से याद से लाइक कर दिया रहा करो, जिससे मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिला, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको ये बात 3 बार बताया हूँ तो आप लोग करना। जाते जाते चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाना। टाटा बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।